आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा। महापुरुषों के उद्धरण कविताओं और लघु कथाओं के माध्यम से प्रगतिशील विचारों की श्रृंखला। श्रोताओं नमस्कार, विचारों के सफर में आज आपके साथ मैं हूँ रंजना सिंह। आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा कार्यक्रम। मित्रों, आज आप राष्ट्र की एकता के बारे में सुनेंगे शहीद आजम भगत सिंह और महाविद्रोही राहुल संकृत्यायन के विचार। भगत सिंह ने अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ में कहा था कि जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित कर देंगे, उसी दिन आजादी का युग शुरू होगा। इसी तरह महाविद्रोही कहे जाने वाले राहुल संकृत्यायन ने कहा था कि राष्ट्र की एकता मंचों पर लंबे लंबे भाषण से नहीं होगी, इसके लिए हमें ठोस काम करना होगा। वह ठोस काम यही है कि देश के भीतर धर्म और जाति भेद ने जितनी दीवारें खड़ी की हैं, उन्हें गिरा देना। हाँ, हिंदू मुसलमान ईसाई या ला मजहब होने से हमारे खान पान शादी ब्याह में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर इसके लिए हमें मजहब से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर आज विचारों का सफर यहीं तक। कल फिर आपसे मिलेंगे कुछ नए विचारों के साथ। तो फिलहाल दीजिए इजाजत अपनी दोस्त रंजना सिंह को। नमस्कार। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर विचार यात्रा। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के कार्यक्रम सीधे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप अकाउंट नंबर 9617226783 पर अपना नाम और संक्षिप्त पता लिखकर भेजें। तो सुनते रहिए सहकार रेडियो।